नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो आइए शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी बरेली रोड में लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के वन विकास निगम डिपो के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवक खड़े ऑटो से जा टकराए। आसपास के लोगों ने बताया कि बाइक के आगे चल रहे ऑटो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते पीछे से आ रहे बाइक सवार ऑटो से भिड़ गए और तीनों सड़क पर बुरी तरह गिर पड़े, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्द्वानी के भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आज हल्द्वानी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार भाजपा प्रदेश में बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। आज रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिसर से जुड़े कर्मचारियों ने काठगोदाम डिपो परिसर में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वेतन भुगतान न होने पर 21 फरवरी से सामूहिक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराली शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हल्द्वानी से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।